दोस्तों, आप भी अपना फेसबुक अकाउंट को परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। कैसे फेसबुक अकाउंट डिलीट करता है, इस वीडियो में सब कुछ कंप्लीट बताऊंगा कि परमानेंट फेसबुक अकाउंट कैसे डिलीट करता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको थ्री लाइन में क्लिक करना है। जैसे ही आप थ्री लाइन में क्लिक करोगे, आपके सामने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। आपके सामने एक सेटिंग का ऑप्शन चलाएगा, सिंपली तो उस सेटिंग पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, पहले फेसबुक में एक्सेस कंट्रोल का एक ऑप्शन आता था, लेकिन अब फेसबुक अपडेट कर दिया गया है। अब दोस्तों, एक्सेस कंट्रोल का कोई ऑप्शन नहीं आता है। तो दोस्तों, कैसे डिलीट करोगे पहले देख लो। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिखेगा सी मोर इन अकाउंट कंट्रोल। तो दोस्तों, इस वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है तो आपके सामने पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन चलाएगा। सिंपली दोस्तों, उस पर्सनल डिटेल्स में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप पर्सनल डिटेल्स में क्लिक करोगे, आपके सामने और एक इंटरफेस खुल के चलाएगा। तो दोस्तों, सिंपली आपको नीचे वाले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप नीचे वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे, आपके सामने और एक इंटरफेस खुलकर आएगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप नीचे वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे, आपके सामने दो ऑप्शन चला आएगा। तो सिंपली आपको नीचे डीएक्टिवेट और डिलीट, तो सिंपली उसमें आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे उसमें क्लिक कर दोगे और एक इंटरफेस खुलकर आएगा। तो दोस्तों, आपको दिखाएगा आपका फेसबुक अकाउंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, सिंपली आपको फेसबुक अकाउंट में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, अगर आपको डीएक्टिवेट अकाउंट करना है तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करके कंटिन्यू क्लिक कर देना है। मुझे तो परमानेंट अकाउंट को डिलीट करना है, तो सिंपली नीचे वाले ऑप्शन में चूज करके कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, डिलीट करने के लिए डिलीट अकाउंट में क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे, आपके सामने एक ऑप्शन चला आएगा। तो सिंपली आपको रीजन देना पड़ेगा कि आप किस रीजन के लिए आपका जो फेसबुक अकाउंट हो वो डिलीट करना चाहते हो। तो सिंपली एक आप रीजन दे सकते हो। रीजन देकर आपको कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे, आपके सामने और एक इंटरफेस खुलकर चला आएगा। तो सिंपली दोस्तों, आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे, आपके यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा दोस्तों कि आपका अकाउंट जो है फेसबुक अकाउंट, अगर आप चाहते हो कि परमानेंटली आपका फेसबुक अकाउंट डिलीट हो जाए, तो आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपके सामने और एक इंटरफेस चला आएगा। तो देख सकते हो, आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन चला आएगा। सिंपली दोस्तों, आप कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे, आपके सामने पासवर्ड के ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों, अगर आपके जो पासवर्ड है वो भूल गया हो आप तो आपका फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है वो कैसे पता कर सकते हो, मैं पहले एक वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन पे एक वीडियो दिया हूँ, उसको देखकर आ जाना कि फेसबुक अकाउंट का जो पासवर्ड है वो कैसे पता कर सकते हो, वहाँ पे देखकर आ जाना, ठीक है। तो जैसे आप दोस्तों पासवर्ड डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे, आपके सामने डिलीट का ऑप्शन चलाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा। अगर दोस्तों आप चाहते हो कि अगर आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, तो आप 30 डेज लॉगिन मत करना, ठीक है। आपका जो फेसबुक अकाउंट है, आप 30 डेज लॉगिन मत करना। तो दोस्तों, जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे, तो आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन 30 डेज आपको लॉगिन नहीं करना है, नहीं तो आपका फेसबुक अकाउंट फिर से चला आएगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो से अगर थोड़ी सी नॉलेज मिला हो आपको, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।